फ्रेंड जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए हमें जो सेट बना रहे हैं उसका एक कैप बनाएंगे, तो इसको हम पहले डिजाइनर फंदों से स्टार्ट करेंगे। तो 80 फंदे हम इसमें डिजाइनर बनाएंगे। देखिए इस तरह से आप एक लूप निकाल लीजिए और यहाँ से हमें स्टार्ट करेंगे। तो डिजाइनर बॉर्डर देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये दो फंदे हो गए हमारे, एक हम इस साइड से बनाएंगे और एक हम अंगूठा इस साइड से, ये हम बाहर की साइड से और ये हम अंदर की साइड से। इस तरह से हम 80 फंदे डाल लेंगे इसमें। ये न्यूबॉर्न बेबी से 1 साल के बच्चे का है, तो ये मैं 80 फंदे डाल लेती हूँ। इसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे इसका। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें पूरा सेट बना रहे हैं, सीधा उल्टा जिसको आता है, बिगनर भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बताया है मैंने इसमें, बहुत इजी तरीके से हमें पूरा सेट बना रहे हैं। तो ये देखिए डिजाइनर बॉर्डर हमारा इस तरह से बनेगा। तो मैं 80 फंदे डाल लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड 80 फंदे डाल लिए मैंने। अब दोनों साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बना देंगे और 4 धारियाँ बनाएंगे इसकी बॉर्डर के लिए। उसके ऊपर फिर जो हमने स्वेटर पे डिजाइन बनाया है वही बनाएंगे। तो ये देखिए ए वाली सिलाई भी उल्टी और फिर इसके बाद अगली भी हम उल्टी बनाएंगे जो हमारी सीधी साइड है। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर सीधी साइड पे बताती हूँ आपको। अब ये हमारी सीधी साइड है, तो यहाँ भी हम धागा आगे करके ये हमारी पहली धारी बन गई। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम 4 धारियाँ बना लेंगे इस तरह से, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए। तो ये मैं बना लेती हूँ 4 धारियाँ, फिर आगे डिजाइन डालना बताती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 धारियाँ ये बनाई और 10 लाइयाँ सीधी उल्टी। अब इसके बाद हम जो हमने स्वेटर पे डिजाइन डाला था वही डालेंगे। तो ये डिजाइन हमारा 8-8 के मल्टीपल से डलेगा। 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हमने ब्लू कलर के बनाए और एक फंदा हम इस कलर का बनाएंगे। देखिए फिर से 7 हम ब्लू के बनाएंगे, 4 और ये वाला हम साथ साथ में आगे तक लेते जाएंगे, 5 6 7 और एक इसका। फिर से 7 ब्लू के, 1 2 3 4 पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना देंगे, 5 6 7 और एक फंदा इसका। फिर उल्टी सिलाई पे दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स सीधी सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, लास्ट वाला फंदा भी हम इसी कलर से बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई पे भी ये डिजाइन बनेगा, दोनों सिलाइयों पे डिजाइन बनेगा और 4-4 ही सिलाइयों का डिजाइन है। तो अब हमारे पास ये 2 फंदे इस कलर के हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए 5 फंदे बीच में, 2 3 4 और 5, 5 फंदे हमारे ब्लू हो जाएंगे, 3 हमारे लाइट हो जाएंगे, 1 2 3 जैसे 5 ब्लू पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना देंगे, 5 ब्लू और 3 जो भी आपने लाइट कलर ले रखा है इस तरह से। अब तीसरी सिलाई देखिए फ्रेंड, अब तीसरी सिलाई में ये 2 फंदे भी इसी कलर के हो जाएंगे। 5 फंदे हमारे पास लाइट कलर के, 2 3
चार, पाँच ही बचे और पाँच हमारे पास है। अब बीच के तीन फंदे हमारे ब्लू कलर के, एक दो और एक तीन, और अगले पांच फिर लाइट कलर के, दो तीन चार पांच, तीन ब्लू के। इस तरह से पूरी सिलाई बना लेंगे हम। फिर उल्टी सिलाई दिखाती हूँ। अब देखिए तीन सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी सिलाई बनाएंगे इसकी, और ये लास्ट सिलाई है। तो अब देखिए चार फंदे हमारे यहाँ पे लाइट कलर के बन जाएंगे। अब एक ही हमारा ब्लू बचेगा, देखिए ये वाला हम इस कलर से बना देंगे, और ये बीच में एक फंदा बचा। अब सात फंदे फिर हमारे लाइट कलर के हो जाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात, और ए ब्लू, फिर से सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक ब्लू का। पूरी सिलाई हम इसी तरह से ये बना देंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब ए वाले फंदे हमारे ब्लू बनेंगे और ए वाला लाइट बनेगा। तो देखिए किस तरह से, अब ए फंदा हम लाइट बना देंगे और अगले हम ब्लू बना देंगे साथ, एक दो तीन चार पाँच छ अरे सात, ये देखिए इसके ऊपर अब ब्लू बन गए और ये लाइट कलर का। अब उसी तरह से हम चार चार सिलाइयों के डब्बी बनाते जाएंगे। अब हमारे ब्लू कलर के इधर बनेंगे, पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना देंगे। जो ब्लू है उसको ये लाइट कलर का बना दिया और ये ब्लू के। फिर अगली सिलाई दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए पूरी सिलाई हमने इस तरह से बना ली। अब अगली उल्टी सिलाई पे अब फिर से हमने ये तीन बना देने हैं और ये ब्लू वाले हमारे घटते जाएंगे और लाइट कलर बढ़ते जाएंगे। हर एक चार सिलाइयों के बाद हमने इसी तरह से इसको चेंज करते जाना है। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच, फिर तीन, एक दो तीन, इस तरह से हमें पूरी सिलाई बना देंगे। तीन ब्लू सॉरी तीन लाइट कलर के और पांच ब्लू कलर के। फिर अगली सिलाई पे दिखाती हूँ। अब फिर से सीधी सिलाई पे देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हमारे लाइट, तीन हमारे ब्लू, दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना देंगे।
तीन ब्लू पांच लाइट, तीन ब्लू पांच लाइट। अब उल्टी सिलाई पे देखिए फ्रेंड, अब एक ही हमारा ब्लू बचेगा और सात हमारे लाइट कलर के बन जाएंगे। चार सिलाइयों का ये डिजाइन है तो आठ सिलाइयों में हमारा ये दो डब्बियां बनके कंप्लीट हो गई हैं, एक ब्लू की और एक लाइट की। अब एक ही हमें ब्लू की बनाई और साथ हम ये लाइट कलर बना देंगे। पूरी सिलाई इसी तरह से लास्ट तक बना देंगे। अब देखिए फ्रेंड, दोबारा से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो इन फंदों को अब हम ब्लू बना देंगे और इसको लाइट कलर का, इनको ब्लू इसको लाइट कलर का। इसी तरह से मैं ये चार डिजाइन बनाऊंगी। इस तरह से देखिए एक हमारा बन गया तो चार बनाऊंगी मैं, तीन और फिर आगे दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से आप ये बना लीजिए, बस इसी तरह से इनको चेंज करते जाना है हमने और इस तरह से डब्बियाँ डब्बियाँ बनती आएगी। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने तीन ही डिजाइन बनाए हैं इस तरह से, देखिए एक दो और ये तीन, एक दो और ये तीन। अब इसके बाद दो सिलाइयाँ एक सीधी एक उल्टी बना ली हैं। अब देखिए अब हम फंदे कम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, 80 फंदे हैं हमारे पास तो 11 फंदे हमने ये सीधे बना लिए। अब इन तीन फंदों का हम एक करेंगे इस तरह से, ये दो हमने उतार लिए, ये बनाया और इन दो को इसके ऊपर से उतार दिया। अब फिर से अगले 11 फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, फिर से दो फंदे उतारे, एक फंदा बनाया और दो इसके ऊपर से उतार दिए, फिर 11 फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। अब इसी साइड से हमने दो फंदे उतारने हैं, यहाँ से नहीं उतारने हैं, इसी साइड से उतारने हैं और ये फंदा हमने बना लेना है और इन दो को इसके ऊपर से उतार देना है। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना देंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, फिर से दो उतारे और एक फंदा बनाया और ये दो इसके ऊपर से उतार दिए, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, दो फंदे उतारे और ये बना दिया, ये दोनों इसके ऊपर से उतार दिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर एक बार सीधी सिलाई पे फिर बताऊंगी मैं आपको, तो ये मैं बना लेती हूँ पूरी सिलाई उल्टी। अब दोबारा देखिए फ्रेंड, फिर से हमने फंदे कम करने हैं तो इस जब हमने इस सिलाई में फंदे कम करे तो हमारे पास 80 फंदे थे, अब 70 बच गए हैं। हर एक सिलाई में हमारे पास 10-10 फंदे कम हो जाएंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब 10 फंदे बनाएंगे, फिर 9 8 7 6 5 इस तरह से। अब इन तीन फंदे का हम एक करेंगे,
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ हमारे 9 फंदे बचे क्योंकि एक ही साइड से घटेगा एक ही साइड से। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, ये सॉरी 3 का 1 करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये लाइन बन के आएगी। तो जब तक हमारे पास है, ये देखिए एक फंदा ए बचेगा, एक ए एक एक एक, जब तक ये फंदे नहीं बच जाते घटाते घटाते, तब तक हम इसी तरह से 3 का 1 करते जाएंगे हर एक सीधी सिलाई में, और उल्टी सिलाइयाँ हम सभी उल्टी बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ लास्ट तक, ऊपर तक उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी पे, इस तरह से हमने 3 का 1 करते जाना है। हर एक सिलाई में 10 फंदे हमारे कम होते जाएंगे। ये देखिए यहाँ लाइन पे पहुँच गए हम, फिर 3 का 1 करा, ये देखिए एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से फंदे हम कम करते जाएंगे, फिर दिखाती हूँ आगे। अब ये देखिए फ्रेंड हमारे पास ये 13 फंदे बचे हैं, और ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन के आया है। अब इन फंदों को हम सुई पे लेके बंद करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा धागा हम काट देंगे, और ये देखिए बार फिर से इन्हीं फंदों के अंदर डालेंगे। देखिए दोबारा ये हमारा पहला फंदा है, इसी तरह से ये देखिए अब इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। अभी हमने यहाँ पे पिंपॉम भी लगाना है, तो थोड़ा सा इसको लूज छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ से हम धागा अंदर डालेंगे वो पिंपॉम वाला। और देखिए इस तरह से अब हम इसको सिलेंगे। दोनों साइड से एक एक फंदा लेते हुए ये जो हमने फंदे कम करे हैं यहाँ तक की इसको सिलेंगे। अब यहाँ के बाद फिर हम ये जो नीचे हमारे पास बचे हुए हैं ऊन, ये खोलेंगे और इससे पूरी कैप सिलेंगे। तो मैं ये सुई में डाल लेती हूँ पहले। अब ये देखिए जहाँ से हमने देखे स्टार्ट करा है, ए वाला और ए वाला, यहाँ से हम मिलाते हुए इनको सिलते जाएंगे ऊपर तक। ये देखिए इस तरह से सिलेंगे हम, ये देखिए आगे निकाला, फिर इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए। देखिए धागे से आगे हमने सुई निकाली, अब ये हमारा धागा है, इसके पीछे यहाँ पे सुई डाली और धागे के इस धागे के आगे निकाले। इस तरह से हम ऊपर तक सिल देंगे, इसी तरह से मिलाते हुए आगे पीछे नहीं हमने सिलना है, इसको मिलाते हुए ऊपर तक सिल लेना है। तो ये मैं सिल लेती हूँ इसी तरह से, फिर आगे दिखाती हूँ।
बहुत ईजी है सिलना। देखिए अब ये थोड़ा सा बचा, आप ये देखिए ये जो हमारा पहले वाले धागा है जो ऊपर से हमने सिल के नीचे लाए थे, इसके साथ इस तरह से इसको गांठ लगा के छोड़ देना है और ये धागा काट देंगे और ये मैं सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही सुंदर बेबी कैप बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं पिम्पोम बनाना बताती हूँ आपको। इस तरह से हम पिम्पोम बनाएंगे, तो ये दोनों कलर लेंगे हम, ये भी और ये भी। बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस और ये तीस बार हम अब देखिए इसको उतारेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ से धागा काट लेंगे हम। अब इसको बराबर काटेंगे दोनों साइड से। अब ये देखिए जो बांधने वाला धागा है उसको साइड में रखेंगे और इसको इस तरह से गोलाई में काटेंगे। और ये देखिए ये हमारा पिम्पोम बनके रेडी हो गया है।
अब इसको हम कैप पे लगा देंगे अच्छे से। तो ये देखिए जहाँ पे हमने ये यहाँ पे छेद छोड़ रखा है यहीं पे लगाएंगे हम। तो इसको हम क्रोशिए से लगाएंगे अंदर की साइड को। आगे को अंदर की साइड एक हम जो छेद है इसके अंदर डालेंगे और जो दूसरा धागा है हमारा उसको हम थोड़ा साइड से निकालेंगे। देखिए यहाँ से और अंदर की साइड इसको टाइट कर देंगे हम यहाँ पे। इस तरह से टाइट कर देंगे, दो तीन गांठ अच्छे से लगा देंगे ताकि ये खुले ना। और पिम्पम अभी अच्छी तरह से नहीं बनाया, जल्दी जल्दी बनाया मैंने। इसको हम बराबर भी करेंगे, अभी थोड़ा सा छोटा करेंगे धागों को। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारी बेबी कैप बनके रेडी हो गई है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्दी। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।